वी ऑल वर वेटिंग फॉर द PNS के एग्जामिनेशन टू हैपन. बहुत टाइम हम लोगों ने प्रेपरेशन की, बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई और अपना बेस्ट देने को ट्राई किया, बट स्टिल कुछ लोग हैं जिनके मार्क्स शायद 70 मार्क्स से नीचे हैं और उनको शायद इस बार कॉलेज नहीं मिल पाएगा. बट ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग सिर्फ 4 या 5 मार्क्स कम होने की वजह से अपने इस नर्सिंग करने की ड्रीम को ही छोड़ दें. सो हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी. वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन. जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, इन टुडेज़ वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर द अपकमिंग PNST एग्जामिनेशन ऑफ सेशन 2022 एंड 2023. सो इन टुडेज़ वीडियो वी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइम लेफ्ट, मतलब कि कितना टाइम एग्जामिनेशन के बचा हुआ है. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा एग्जामिनेशन में कितना टाइम बचा है, हम लोग कैसे कैसे चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, कैसे वापस से अपना बेस्ट दे के इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं एंड अलॉट मोर थिंग्स. सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्या आपको पता है कि प्रेजेंटली हमारे नर्सिंग कॉलेज में कुछ 2 टाइप के स्टूडेंट एडमिशन क्राइटेरिया चल रहे हैं. व्हाट आई मेंट टू से बाय दिस इज कि हमारा जो मेरा बैच है, मींस 2020 सेशन वाला जो बैच है, उस बैच का एडमिशन हुआ था इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन हुए थे फरवरी में. फरवरी के 1-2 महीने बाद रिजल्ट आया था, उसके 1-2 महीने बाद काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और फिर एडमिशन हुआ था. तो जुलाई मंथ जो है हमारा न्यू सेशन स्टार्ट करने का टाइम है. प्रेजेंटली और भी जो सीनियर बैचेस हैं उन लोगों का जो सेशन स्टार्टिंग टाइम है वो दिसंबर है. दिसंबर मींस कि अभी जैसे जो लोगों ने अक्टूबर में अपना एग्जामिनेशन दिया है, तो वो अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स का भी जो एडमिशन मेनली जो सेशन स्टार्टिंग होगी वो शायद दिसंबर या जनवरी से होगी. सो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि अभी जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेशन आएगा, मतलब 2023 में 2022 के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे एंड 2022 और 23 के सेशन जो है वो स्टूडेंट्स आएंगे. तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जैसे लोगों का पहले जो भी स्टूडेंट्स आ रहे थे मेरे बैच से, पहले वाले जो भी मेरे सीनियर्स हैं, उन लोगों की सबके बैच की स्टार्टिंग होती थी दिसंबर में, मतलब कि उन लोगों का स्टार्टिंग सेशन जो था वो दिसंबर था. बट फ्रॉम माई बैच ये जो स्टार्टिंग है वो अभी हो गई है, जैसे कि जुलाई. सो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं ये चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शायद अब जो एग्ज़ामिनेशन होगा वापस से, वो शायद फरवरी या मार्च में कंडक्ट किया जाए, ताकि हमारे पास में अगेन जुलाई में एक नया बैच हो. और ये चीज़ें करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास में एक बैच पीछे चल रहे हैं हम लोग बिकॉज ऑफ द कोरोना टाइम. सो आई थिंक द MP गवर्नमेंट विल बी वर्किंग फॉर इट, और जो नेक्स्ट फॉर्म्स हैं वो आपके जनवरी या फरवरी में अवेलेबल हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम्स फेब या मार्च में हो जाएंगे. सो अगर हम लोग देखें कि हमारे पास में जो है दिसंबर मंथ पूरा है, जनवरी मंथ पूरा है एंड फरवरी मंथ पूरा है. अगर फरवरी की मिड में भी अगर एग्ज़ाम या फॉर्म अवेलेबल होते हैं तो हम लोग यहाँ के जो 10 डेज बचे हैं अभी नवंबर के, उनको मिला सकते हैं, विच मीन्स हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने हैं. 3 महीने मीन्स हमारे पास 90 डेज तो एग्जैक्टली हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म जब भी आएगा तो हमारे पास एटलीस्ट इतना टाइम है फॉर द प्रेपरेशन एंड फॉर गिविंग आर बेस्ट अगेन. सो इस टाइम पे हम लोगों का जो PNST एग्जामिनेशन है वो होगा फरवरी या फिर मार्च में, या उसकी फॉर्म अवेलेबिलिटी जो होगी वो फरवरी या मार्च में होगी. और जो हमारा नीट है, नीट 2023 विल बी अकरिंग और विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मे, जैसा कि हमेशा से होता आ रहा है एक्सेप्ट द कोरोना ईयर्स. सो मे में हमारा है नीट एग्ज़ाम, फरवरी या मार्च में होगा शायद हमारा PNST एग्ज़ाम. तो हमारे पास में 3 मंथ है PNST की प्रेपरेशन के लिए, एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 5 मंथ्स है हमारे लिए नीट की प्रेपरेशन के लिए. सो ये दोनों, चाहे वो नीट हो, चाहे वो PNST हो, चाहे इस साल में आने वाले और भी एग्ज़ाम्स जैसे कि DHET, PAT या फिर PVFT, ये सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली सेम है. तो इस बार मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम पे फोकस ना करें, जबकि हम लोग हर जगह अपना बेस्ट देने वाले हैं और हर जगह में से कोई एक जगह हम अपना इतना अच्छा स्कोर करेंगे दैट उस टाइम पे हम लोग डिसाइड कर पाएँ या
हम लोग ऐसे अच्छे मार्क्स लाएंगे कि हम लोगों को उस टाइम कन्फ्यूजन हो कि यार यहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया, अब जाऊँ तो जाऊँ किस में। सो एट दिस टाइम जब आप सिर्फ 4-5 मार्क्स से रह गए थे, तो आई नो कि ये आप 3 या 5 महीनों में बहुत ही कमाल या बहुत ही गजब कर सकते हैं। सो वॉट आई वॉन्ट टू से यू इज़ कि हमारे पास अगेन 38 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, जो कि है 22 चैप्टर्स 11th क्लास के, 16 चैप्टर्स हैं आपके 12th क्लास के, 38 चैप्टर्स हुए, ऐसे ही आपके 19 चैप्टर हैं क्लास 11th और क्लास 29 सॉरी 29 मतलब 29 चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स के क्लास 11 12th में ला के, 29 चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री के, तो 94-95 चैप्टर्स अप्रॉक्स होते हैं टोटल। अगर हम लोग मान के चलें कि हमारे पास में 100 चैप्टर्स हैं, 100 चैप्टर्स में से स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स हैं हर एक सब्जेक्ट में जो कि कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग माने कि हमारे पास 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में अगर हम लोग हर एक चैप्टर को 1 दिन भी दें, तो हमारे पास इनफ टाइम होगा कि हम सारे चैप्टर्स कर पाएँ और उन चैप्टर्स में अपना बेस्ट दे पाएँ। अब बात आती है कि हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट कैसे करें कि वो अगर वो उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो वो हमारा सही जाए। आप लोगों के पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी इस टाइम पे अगर आप लोगों ने प्रेपरेशन करी है। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम नर्सिंग के लिए, मतलब कि हम नीट के लिए मेनली प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन साइड साइड में प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट भी देंगे ताकि हमारे पास में एक साइड ऑप्शन हो। तो ये सभी लोगों के पास कुछ बुक्स या रेफरेंसेस अवेलेबल होंगी फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर नहीं होंगी तो आपको नेट पे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर में जो कि प्रीवियस ईयर के नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि ये जो चैप्टर्स हैं हम लोगों को डेली के डेली एक चैप्टर को टैकल करना है। ये एक चैप्टर आप लोग कैसे कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले आप लोग उस चैप्टर की कंप्लीट एनसीईआरटी को रीड करेंगे, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, कोई भी लाइन मिस नहीं करेंगे। वो कंप्लीट एनसीईआरटी चैप्टर को जैसे ही आप रीड करेंगे, उसको रीड करने के बाद एक बार उसको वापस से पलट के देखो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने हाईलाइट करी हैं उस टाइम पे। उस एनसीईआरटी के चैप्टर को रीड करने के बाद आप लोग टेलीग्राम पे ढूंढो, आप लोग गूगल पे ढूंढो, कहीं पे भी ढूंढो, एनसीईआरटी फिंगर टिप निकालो। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की बुक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी होगी। तो क्योंकि ये बुक जो है ना, ये आपको एक्स्ट्रा जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है नीट एनसीईआरटी के अलावा, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये बुक आपको प्रोवाइड करती है। सो एट दिस टाइम व्हाट आई वांट इज कि एनसीईआरटी को एक बार चैप्टर रीड करो, उसको रिवाइज करो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उसके बाद एनसीईआरटी फिंगर टिप्स निकालो, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स से भी उस कंप्लीट चैप्टर को पूरी तरीके से रीड करो। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी लगे उसको या तो नोट करके रखो अलग से या वहीं पे हाईलाइट करो। और प्लस एक चीज़ और कर सकते हो आप कि आप ये दोनों बुक को साथ लेके बैठो और किसी भी एक बुक को अपना आइडियल बुक बनाओ। मतलब कि या तो आप जो एनसीईआरटी की आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी लग रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के साइड साइड में लिख लो, या फिर एनसीईआरटी बुक में जो भी एनसीईआरटी की एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिली हैं उस चैप्टर की, वो अपनी एनसीईआरटी में लिख लो। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप रिविज़न करोगे तो आपको किसी एक बुक को उठाना पड़ेगा। अब आपने एनसीईआरटी से वो चैप्टर रीड कर लिया है, उसके बाद आपने एनसीईआरटी फिंगर टिप से वो चैप्टर रीड कर लिया है। अब थर्डली व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन आंसर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में एमटीजी की, वो एमटीजी की बुक ले लो या फिर उनकी अगेन पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, या तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगी या आपको गूगल पे मिल जाएंगी। सर्च करोगे तो कोई भी चीज़ मिल सकती है, आपको पता है इंटरनेट आजकल इतना तो है सभी के पास, ठीक है। तो हम लोग ये 4 या 5 राउंड एक चैप्टर को देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली हमने एनसीईआरटी रीड करी, सेकेंडली हमने उसकी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स रीड करी, थर्डली हम हमारे PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अब कुछ लोग होंगे ऐसा जो सोच रहे होंगे कि इतना कुछ करने की क्या नीड है। देखो अगर एक दिन में इतना कर लोगे ना यार, तो आप नीट तक निकाल लोगे। एंड इस बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ कि नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट, ओके। सो अब वो PYQs करने के बाद में बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनमें कि PYQs जब भी हम पहली बार करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि ना हमने एनसीईआरटी में पढ़ी होंगी ना ही हमने एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में पढ़ी होंगी। तो यही बेस्ट चीज़ है, अब आप लोगों के पास में वो क्वेश्चंस भी होंगे जो पहले के पुराने ईयर्स में एनसीईआरटी के बाहर से भी पूछे गए हैं। वो एनसीईआरटी के बाहर के चैप्टर्स जो मतलब क्वेश्चंस आपके गलत गए हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में,
वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अलग से छांट के रखो, उनको कहीं नोट डाउन करो या उनको वहीं पे हाईलाइट करो प्रीवियस ईयर की नोटिफिकेशन बुक में, और वो ही क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है कंटिन्यूअसली। तो आपके पास में एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन हो गई, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप से हो गई, और बाकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो भी नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनसीईआरटी के बाहर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी हो गई। अब आपको बस अपने रिजल्ट को एनालाइज करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए, कौन कौन से क्वेश्चंस सिर्फ आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी थी इसलिए कन्फ्यूजन में गलत हो गए। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, रीडिंग एनसीईआरटी, रीडिंग फिंगर टिप्स, डूइंग द पीवाईक्यूज, एनालाइजिंग द थिंग्स, एंड नाउ कम्स द फिफ्थ पॉइंट जो कि है आपको रिविजन करना है कंटिन्यूसली फॉर द एडिशनल थिंग्स दैट यू हैव गॉट। ये पांच चीज़ें आपको एक दिन में कंप्लीट करनी है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना डेली टाइम डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एनसीईआरटी के एक चैप्टर को रीड करने में 2 घंटे लगाते हैं, एनसीईआरटी के फिंगर टिप्स को रीड करने में 2 घंटे लगाते हैं, पीवाईक्यूज करने में 2 घंटे लगाते हैं, और उनको एनालाइज करके रिवाइज करने में भी 2 घंटे लगाते हैं, तो आपको टोटल 4 घंटे, आपको टोटल 8 घंटे लगाने होंगे। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ी है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, राइट, तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी एक बार पहले पढ़ी है तो आपको एनसीईआरटी का चैप्टर रीड करने में 1 घंटा लगेगा। विथ फोकस अगर करोगे तो सही में 1 घंटे में हो जाएगा, आई हैव ट्राइड इट बाय माई सेल्फ टू। फिर उसके बाद फिंगर टिप्स रीड करोगे तो उसमें नेक्स्ट 1 घंटा लगेगा। क्वेश्चन आंसर्स और एनालाइज करने में 4 घंटे की जगह आप 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर लिख भी लोगे, और उस मतलब क्वेश्चन प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व भी कर लोगे जो आपके बायोलॉजी रिलेटेड हैं, और उनको एनालाइज भी कर लोगे 3 घंटे में। तो यही जो 8 घंटे का काम है वो आपका 5 घंटे में हो गया। तो द टाइम विल डिपेंड अपॉन यू ओनली कि आपको कोई भी चीज़ करने में कितना टाइम लग रहा है। तो आई होप कि आपको स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, आई होप आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला होगा कि सिर्फ इतना ही अगर आप करेंगे, दिन के 5 या 6 घंटे अगर हम लोग दें और उससे हमारा अगर नीट भी निकल जाए या उससे हमारा पीएनएसटी निकल जाए, पीवीएफटी निकल जाए, सारे एग्जाम्स निकल जाए, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, राइट। सो हम लोगों को अपनी थोड़ी सी मेहनत देनी है, इतने आगे तक आए थे तो यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि दीदी हम लोगों ने ड्रॉप ले लिया, इस बार फिर अपना बेस्ट देंगे और सिलेक्ट होंगे। सो आई होप कि चीज़ें समझ गए होंगे आप और सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। सो दिस इज साक्षी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल बी कैचिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।